ना? सुचिता! सुचिता, सुचिता गप्पा बस, सब बड़े चुपचाप खड़े हैं ना? मम्मी बात छोटे बड़े की नहीं है, पूरे परिवार को एक होकर फैसला लेने की घड़ी है। देखते हैं हमारे दुकान में बिकती हमारी बाकरवड़ी है या फिर मुसीबत हम पे आने वाली बहुत बड़ी है। ए अभिषेक बाड़ा, कुछ कर, प्रभाकर अख्तर का कुछ कर। दादा, अल्लाह, ये वाला ठीक ठाक था बाड़ा, इस तरह ढंग का लिखेगा ना तो तेरे काम भी आएगा गाना लिखना है? क्योंकि क्या है, उसका एक कारण है। अगर मैंने इस पे दस्तखत नहीं किए तो हम लोग रोजी रोटी की अन्ना संभाली आपने आपको। बस मैं ठीक हूँ। हाँ आप ठीक ही है, लेकिन लेकिन बैठिए आप, बैठिए। ठीक हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप बैठिए। ओ थोड़ा सा ए भारती, अरे बाड़ा, तेरा कुछ वो वेड़े वाकड़े इशारे बिशारे करना, ऐसा कुछ बोल तू इशारे करते हुए। हाँ, हम सब आपके साथ हैं अन्ना, और हमारे सर पर आपकी छाया। हमारे देव समान अंडा की छाया। वाह वाह वाह, दो दो मजबूत इशारे किए, मजबूत, शाबाश। हालांकि ये कभी मतलब समझ में नहीं आया मुझे। ए निर्मिति, इशारे का मतलब नहीं क्या पूछना है तुझे? हाँ पूछ पूछ। हाँ हाँ, देव का इशारा तो मैं समझ गई अन्ना, देवानंद साहब के एक्टिंग की वही ने। अरे हाँ रे, लेकिन छाया का इशारा ऐसे कैसे? अरे निर्मिति अन्ना, वो अपनी मीनाक्षी ताई, उनकी बेटी छाया, वो मॉडलिंग करती है ना, तो वो ऐसी ही तो चलती है, तो ये छाया का इशारा हुआ। अरे हाँ बराबर बराबर, मॉडल लोग ऐसे ही चलते हैं ठुमुक ठुमुक। ये भारती, तू भी तो मॉडल बन सकती है, वो गृहिणी का मॉडल बन सकती है ना तू, वो टीवी पे दिखाते हैं ना जाहिरात में, थोड़ा सा झाग पूरा संडास करे साहब। कर सकती है तू, कर सकती है। तो क्या है, तू भी मॉडल बनेगी तो तुम लोग की भी रोजी रोटी। अन्ना, रोजी रोटी की चिंता करने की नौबत आने दूंगा क्या मैं? अन्ना, आपके कदमों में दुनिया भर की दौलत लाकर खड़ी कर दूंगा मैं। और मैं तो हूं अन्ना, मैं जूते चप्पल की दुकान खोलूंगा। शाबाश शाबाश, जो से ना अमोल भी जिम्मेदार हो गया। जूते चप्पल की दुकान डालने वाला है, लाएगा कहां से बाड़ा? मंदिर के बाहर से। अरे बाप रे, जो लोग मंदिर जाते हैं ना वो अपने जूते चप्पल बाहर ही छोड़ के जाते हैं, तो वो जूते चप्पल मैं लेके आऊंगा। आपके जो चप्पल है ना, ये मंदिर से लाया है क्या? नहीं नहीं, आपके जैसे सेम चप्पल मंदिर में थे, लेकिन आपके पास है करके मैं नहीं लाया। हाँ, अच्छा किया रे बाबा। लेकिन ये बाड़ा, वो मंदिर में से मत लाना है जूता चप्पल, कुछ और सोच ना। हाँ तो मैं केशव दादा का आइडिया आजमाऊंगा।
केशव क्या आइडिया, कैसा? क्यों, आप ही तो बोले थे ना कि हम लोग प्रभाकर दादा के गाने का प्रोग्राम रखेंगे तो सब लोग ऐसे बंद करो करके जूते चप्पल फेंकेंगे, तो मैं वो ले लूंगा। जूते चप्पल तो पड़ेंगे बरोबर है। और ऐसा है तो अन्ना मैं और भारती पाव भाजी की गाड़ी भी डाल देंगे। पाव भाजी भी फेंकते हैं क्या आजकल? नहीं, आपने कहा था ना मेरा गाना सुन के लोग प्याज आलू और टमाटर भी मारेंगे, तो इसलिए। लेकिन फिर फूलगोभी, फूलगोभी मारने की फरमाइश मैं करूंगी अन्ना। वाह 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 वाह, जीती रे जीती रे, सब लोग जीते रहो। अमूल बाड़ा तू भी जीता रहे। मैं तो जीता ही रहूंगा अन्ना, अब अपनी चिंता कीजिए। बरोबर बोला, मुझे अपनी चिंता करनी है, अपनी जिम्मेदारी निभानी। जो छे ना, इस घर को संभालने की जिम्मेदारी थी मेरी, वो दुकान का लीज रिन्यू बिन्यू करने का भूल कैसे क्या गया मैं। लो, हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग। जब मंदा दादा छोटी छोटी बात पे रोते थे तब आप क्या बोलते थे? रड़ू नको बाड़ा, रड़ू नको। और अभी खुद ही रोने बैठ गए, रुमाल भी नहीं रखते। ये लीजिए। बंडिया मंदा दादा, वो पेटी लेके आओ। ये देखिए अन्ना, हमने कुल मिला के 7,240 रुपए जमा किए हैं आज तक। अरे मेरी उज्ज्वला आजी, लेकिन ये अन्ना, अगर अपनी अकल से इतनी बचत कर सकते हैं तो कमाना भी सीख लेंगे। मैं मराठी के ट्यूशन देना चालू कर दूंगा। हाँ ना, और मैं भी महादेव पेट में छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दूंगी। और मैं और मिनका चैकी टपरी पे काम करना शुरू कर देंगे स्कूल के बाद, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है अन्ना। अरे भंडिया, उज्ज्वला बिजुला, ये सब मेरे जीते जी, ये सब करने दूंगा क्या मैं तुम लोगों को? हाँ बोलो ना, ना! अच्छा सुनो, हमारी दुकान को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष में हम पूजा रखेंगे, प्रसाद विसाद बांटेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक प्रकार की बाकरवड़ी होती है, पुणेरी, असल मराठी बाकरवड़ी है। गोखले बंदूक की बाकरवड़ी को कभी आजमाना नहीं पड़ता। इसकी गुणवत्ता को लेकर दंत कथाएं घूम रही है तुम्हारे मोबाइल के व्हाट्सएप बिट्सएप में। देख, ये क्या शताब्दी महोत्सव में कोई गुलाब लगाता है? पूरी दुनिया ही इसकी दीवानी रे। आज तक हमारी दुकान की चीजों को लेकर कभी भी कोई भी शिकायत आई है क्या? इसके चर्चे गली गली। भाखरवड़ी लिखता है, भाखरवड़ी लिखता है। ये सबको समझाना पड़ेगा क्या कि असली होती है भाखरवड़ी। हम पुणेरी मराठी लोग तो ऐसे प्रेम से भेंट देते हैं यजमान को। हम गुजराती काठियावाड़ी लोग भेंट देते नहीं हैं, भेंट न्योछावर करते हैं। हमारे महादेव पेट में आपके परिवार का स्वागत है। गायत्री, टिक टिक तेरे पापा को देखो। जमानत के इंतजार में जेल में घूमने वाला कैदी होता है ना, वैसे घूम रहे देख। पापा, कैदी नहीं, मदारी का बंदर। हाँ, अरे मदारी का बंदर खेल करते वक्त घूमता है ना ऐसा इधर से उधर। वैसे देख, डमरू ला ना, डमरू बजाते हैं। मम्मी आप प्लीज, पिंजरे का भालू गायत्री,
पिंजरे का भालू। देख देख देख, अभी अचानक तेरे पापा है ना ऐसे दो पैर पे से अचानक चार पैर पे चलने लगेंगे और फिर हमारी ओर आके ऐसा ऐसी आवाज करेंगे, फिर अपने को काट वाट लेंगे। मम्मी दो मिनट आप शांत रहेंगी? ट्राई कर सकती हूँ, मीन्स के कभी पूरी दो मिनट तक चुप रही नहीं हूँ ना, इसलिए प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। क्या खाखा की कर रही है तू उर्मिला? आप किस बात को लेकर इतने बेताब है वो बताइए। अरे उर्मिला, अन्ना साहब ने अभी तक एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया। गायत्री देखा, चाबी वाला खिलौना चालू होने को एकदम रेडी है, कभी भी चालू हो जाएगा। टेंटे टेंटे टूंकू टूंकू करके देख देख देख, झक्की है वह झक्की झक्की, इतना झक्की इतना झक्की कोई कैसे हो सकता है? झक्की है वो झक्की, अभी चालू होगा अभी देखते। ना ना, ऐसे टाइम पे थोड़ी ना बोलेंगे मम्मी। अरे 100% कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे, जरूर जरूर। उस केशव ने अन्ना साहब के दिमाग में फिर से शक डाला होगा। शक्की शक्की है वो शक्की, देखा देखा, इतना शक्की इतना शक्की कोई कैसे हो सकता है? शक्की है वो शक्की शक्की, इतना शक्की, देखा देखा चालू हो गया चाबी वाला खिलौना। टेटे टेटे टूटू टूटू टेटे टेटे टूटू टूटू। अरे चुप करने तू, वांदरी तो तू है एक नंबर की। पापा आप क्यों परेशान हो रहे? वैसे भी फैसला तो उनको करना है ना कि उन्हें आपके दिए हुए एग्रीमेंट पे साइन करना है या नहीं। हाँ बेटा, लेकिन अगर अन्ना साहब ने एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया ना तो महेंद्र अंकल पर भरोसा करके इस पे साइन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। वो हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हाँ ना, मेरी अंतरात्मा भी ऐसा ही कहती है कि मुझे महेंद्र भाव पर विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा तो इस बात का सदमा मैं झेल नहीं पाऊंगा ज्योत्सना। अगर उन्होंने हमारी गोखले बंदूक को उनकी गायत्री स्नैक्स एंड स्वीट्स के साथ जोड़कर एक नया व्यापार शुरू किया तो कैसे जीऊंगा मैं महादेव पेट में? रोज आते जाते हमारी 100 साल पुरानी विरासत पर किसी और की हुकूमत देखना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा मराठी स्वाभिमान ये अपमान झेल नहीं पाएगा अभिषेक। अगर ऐसी नौबत आई ना अन्ना, तो मैं आपको वचन देता हूं उस विश्वासघात का बदला लेकर मैं अपनी विरासत वापस ला कर दूंगा। गोखले बंधु 1919 पासून इस बोर्ड की आन को किसी ने ठेस पहुंचाने की हिम्मत की ना तो मैं उसे अपना करारा जवाब दूंगा। ये मेरा वचन है अन्ना। बाकी आप जैसा कहे वैसा ही। बच्चों, जरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करो प्रभु से। हे परमेश्वरा, तेरी ये सृष्टि ही विश्वास पे कायम है, उस विश्वास को मरने मत देना। अरे कलम ला प्रभाकर। अरे कलम ला ना बाड़ा। अरे दो ना, मना क्यों कर रहे हो, दे दो। मैं अब इसी वक्त जा रही हूं।
राजकुल अब तुझे टीवी में दिखेगी पुणे राजकोट पुणे ट्रेन और उसमें बैठकर जाएगी तू टीवी में घुसकर वो हॉरर पिक्चर में होता है ना टीवी में से बाहर निकलती है डायन वैसे ये डायन अंदर घुसेगी है ना मैं ये रोज रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ तेरा सामान रेडी है ना चल मैं तुझे छोड़ के आता हूँ राजकोट चल पापा आप बिल्कुल शांति रखिए मम्मी क्या हुआ है बताइए अब बताने को बचा क्या है बेटा बता तेरे पापा ने आज मुझे लकड़ी से मारा हाय हाय नहीं बेटा बेटा मैंने ये पेंसिल से सिर्फ ऐसा किया तो पेंसिल लकड़ी से नहीं बनी होती जो तो लकड़ी से नहीं मारा आपने मुझे अच्छा फिर तो मैं ये कहूंगा कि तूने मुझ पे इस्त्री फेंकी चुट्ठे हरिश्चंद्र के ऑपोजिट मैंने कब फेंकी इस्त्री मैंने तो सिर्फ ये हल्के फुल्के कपड़े से ऐसे आपको फेंक के मारा चक्रम लाल बोल के तो क्यों इस पर इस्त्री नहीं है अभी मैं भी बोल सकता हूँ गायत्री बेटा मैं जा रहा हूँ राजकोट एक काम कीजिए आप दोनों यहाँ रुकिए मैं राजकोट जाती हूँ एक तो हमारी पड़ोसियों पे इतनी बड़ी आफत आ गई और आप लोग यहाँ पे अरे अन्ना भाई आइए 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 और ऐसे टाइम पे गायत्री तुझे राजकोट जाना है तो डोबी आपका वो खारी बिस्किट अरे नहीं नहीं वो तो ऊपर कमरे में बैठिए ना अरे नहीं नहीं कैसे हो आप लोग मैं ठीक हूँ हमारे घर पे भी सब लोग ठीक है पूरा परिवार मेरे साथ में है और आप जैसे पड़ोसी हुए तो फिर ईश्वर हम सबके साथ में है हमारे घर पे भारत ने ईश्वर का इशारा इससे किया तो निर्मित को जानना था जोशना ने कहा ऐसे टाइम पे तुझे इशारे जानने हैं निर्मिति तो भारत ने इशारा समझाया कि ईश्वर वो अनिल कपूर की पिक्चर ईश्वर उसमें वो ऐसा करता था ना ले तो भारती बहन ईश्वर का इशारा ऐसे ऐसे भी कर सकती थी हमारे राजकोट में वो ईश्वर भाई है ना वो ढोली है अच्छा अच्छा लेकिन वो भारती वो उनको जानती नहीं थी ना राजकोट वाले को हाँ लेकिन अन्ना साहब मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ आप अपने परेशान मन को बहला रहे हैं ना इधर उधर की बातें करके कौन मैं अरे क्या उसमें क्या बहलाने भी ले? और ये डोबी उसमें भी अपनी टंगड़ी ऊपर रखना चाहती है अन्ना एग्रीमेंट ये कागजात आज से मेरी गोखले बंधु आपकी अन्ना साहब अब आप देखना मैं ये तो चले गए महेंद्र है जाने दे उर्मिला जाने दे मराठी स्वाभिमान वाला आदमी है लेकिन हमें जो चाहिए था हो गया ना अब तू देख मैं कैसे पासा पलटता हूं अरे अरे ये हो क्या रहा है हाँ सब बर्तन भांडे मसाला बिसला किधर है आज सोमवार है दुकान जल्दी खोलनी है आज दुकान पे हमारी बनाई हुई बाकरवड़ी नहीं बिकेगी अन्ना हाँ क्योंकि दुकान तो हाँ अरे हाँ अभी तो छुट्टी है ना छुट्टी है बरोबर तो अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं अभिषेक अमोल चलो बच्चे लोग को बुला लो भाई चंडू बिंडू सब लेके आओ चलो खबरदार है ना भाई खबरदार इधर क्रिकेट खेलने की बात किया तो देख लेना
अरे खबरदार, क्या उर्मिला बहन दुकान आप लोगों के नाम की है? ये घर तो हमारा ही है ना? हाँ भाई हाँ, दुकान खरीद ली हमने, लेकिन ग्राहक तो वहाँ पे आपके ही आएंगे ना, मराठी टाइप के। तो हमको कहाँ आती है वो सर्वसाधारण मराठी टाइप की भाकरवड़ी बनाना? आपको तो बोलना भी नहीं आता है ने? तो चलिए, चलो चलो फटाफट हाथ चलाइए और बनाइए भाकरवड़ी, क्योंकि क्या है हमारे ग्राहक वहां पे इंतजार कर रहे होंगे ना। आपसे खरीद के बेचेंगे हम, लेकिन दुकान पर बिकेगी तो आपकी भाकरवड़ी।